नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आज मैंने वेस्ट मटेरियल कार्डबोर्ड से बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट आइटम तैयार किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और चलिए हमारे साथ आप भी ट्राई करिए। मैंने भी ट्राई किया है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आपके घर में अगर इस तरह का कार्डबोर्ड पड़ा हो तो वो बहुत ही यूज़फुल रहता है। कार्डबोर्ड मैं अक्सर बचा के रखती हूँ और ये कबाड़ ना हो मेरे डाइव में तो बिल्कुल असंभव है। इस तरह के छोटे छोटे कबाड़ मैं इकट्ठा कर रह के रखी थी और मैं इसी से आज बनाऊंगी। इसमें मैंने ये इस डिब्बे में थर्माकोल भर दिया है ताकि ये दबे ना कुछ भी रखने पर, और इस तरह से ये टाइट हो गया है। अब टेप से मैं इसे चारों तरफ से बिल्कुल से बंद कर दूँगी। ये देखिए, हमने ये इसे बहुत बढ़िया से बंद कर दिया और ये चारों तरफ से बंद हो गया है। अब इसमें मैं फेविकॉल, क्योंकि मेरा ग्लू गन ख़राब हो गया है तो इसलिए मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। इसी से इस डिब्बे को मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो इसके बाद मैं इसे आगे, इसके ये हींग की डिब्बी मेरे पास रखी हुई थी खाली, उसे पेस्ट किया और ये डिब्बे का ढक्कन। फिर उसके बाद ये कुछ गत्ते मैंने काट रखे थे 2-3 स्क्वायर साइज़ में, और उसे मैं उस ढक्कन के ऊपर पेस्ट करूँगी। सारे स्क्वायर साइड के गत्तों को इस तरह से मैंने एक दूसरे में पेस्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसे इस तरह से ऊपर पेस्ट कर दूँगी। और इसमें मैं चारों तरफ से फेविकॉल लगाकर, और मैंने इसमें वॉल पुट्टी का यूज़ किया है और इसे ये इस तरह से वॉल पुट्टी मैं इसमें पेस्ट कर दूँगी। और चारों तरफ से जब ये वॉल पुट्टी लग जाएगा, ये देखिए, इसी तरह से मैं इस नीचे वाले छोटे वाले डिब्बे में भी पेस्ट कर दूँगी, सभी में। इस तरह से आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इस बार कुछ अलग ट्राई किया है, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे बनाने में, लेकिन कुछ डिफरेंट था इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। अब ये बनने के बाद कैसा लगता है आप लोग भी देखिएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं सारा इसका बेस बना दे रही हूँ। आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हो, क्ले जल्दी ड्राई होता है। और मैं इसे, मेरे पास समय था इसलिए मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया और मैं आराम आराम से इसे यूज़ करके, और इस तरह से नाइफ़ की, बर्थडे केक वाली जो नाइफ़ होती है उसकी सहायता से मैंने इसमें इस तरह से लाइनिंग कर दी, जिसकी वजह से ये वुडन लुक आने लगा। वुडन लुक से ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। फिर थोड़ा सा फेविकॉल लगा के मैंने छोटे छोटे स्टोन लगा दिए। ये स्टोन मेरे पास रखे हुए थे, कुछ मैंने कहीं भी मार्केट से नहीं लिया है। ये स्टोन जो बाहर बालू वालू में मिलते हैं, वो वाले हैं जो घर बनने में, पास ही में घर बन रहा था, मैं वहीं से लेके आई थी। थोड़ा सा वही है ये, बहुत ही, देखिए फाइनल लुक इसका कैसा होता है। ये बनते थोड़ा बहुत तो ये अच्छा लगने लगा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ये देखिए, इसके बेस बनाने के लिए मैंने इसमें किनारे से थोड़ा सा वॉल पुट्टी की लाइनिंग दे दी है ताकि हमारा स्मोक जो डाउनिंग आए तो इधर से बढ़िया वही बेस लेके आए। और ये किनारे किनारे में मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है, और इधर से ये झरने वाला लुक देने के लिए मैंने इसमें भी दोनों साइड किनारे वॉल पुट्टी लगा दी है। आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और इसमें कुछ अगर नया आइडियाज़ हो सकता हो तो आप उसे भी बताइएगा ज़रूर। और इस तरह के छोटे छोटे अगर आपके पास स्टोन हो तो आप वो भी लगा सकते हो। स्टोन लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट लगता है। और ये मैंने यहाँ पर छोटे से गणपति, जो बहुत ही इजीली बन जाते हैं, इस उन्हें मैंने ट्राई किया है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ नहीं बना सकता है। थोड़ा जल्दी भी थी और जल्दी में गणपति जी हमारे बहुत ही इजीली बन जाते हैं, इसलिए मैंने 2 सर्कल लगा के और उसके बाद कान लगा के और ये इस तरह से छोटू से गणपति जी बना दिए। देखिए, ये बिना कलरिंग के ही बहुत ही बेस्ट लग रहा है। और इस तरह से मैंने गणपति जी को भी बना दिया है। आप बुद्धा भी बना सकते हो, इसमें शिवलिंग भी बना सकते हो। बहुत से मैंने वीडियोस भी देखे थे फाउंटेन के, जिसमें बुद्धा शिवलिंग ये सब बने रहते थे, तो मुझे लगा कि इस बार मैं गणपति बनाती हूँ। और ये मेरे पास छोटी सी दीपावली की मटकी रखी हुई थी और इस मटकी को मैंने
होल कर लिया है, और ये देखिए ये होल हो गया है हमारा पेचकस की सहायता से, और मैंने इसे इस तरह से पेस्ट कर दिया है। हमारे ये पूरा बेस तैयार हो गया है। अब उसके बाद मैंने मुझे जिसे ब्लैक नहीं करना था उसे मैंने ढक दिया है, और मैं स्प्रे पेंट से ब्लैक कलर कर दे रही हूँ। आप इसमें एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टाइम मेरे पास था नहीं और मुझे जल्दी इसे कंप्लीट करना था, कुछ गेस्ट भी आने वाले थे और इसे इसलिए मैंने जल्दी ही कंप्लीट करने के लिए इसमें मैंने स्प्रे पेंटिंग की। ये देखिए हमारा फाइनल लुक तैयार होने वाला है धीरे धीरे। ब्लैक कलर इसलिए मैंने दिया है क्योंकि इसमें ब्लैक कलर देने के बाद जब हमारा स्मोक नीचे साइड आएगा तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और स्मोकिंग वाला धुआं बहुत ही इजली दिखेगा। अब हमारे गणपति की बारी आती है, उन्हें कलरिंग मैंने स्किन कलर से कर दिया है और ये हमारी मटकी ब्राउन कलर से हो गई है। ये देखिए हमारी मटकी ब्राउन कलर से हो गई है, और ब्लैक कलर से मैंने अपने क्यूट से गणपति के बाल बना दिए हैं, आईज़ बना दी है। स्टोन पर मैंने हल्का हल्का ब्लू वाला शेड दिया है ताकि ये हल्का सा वो जो पानी से की वजह से वो काई वाला लुक आता है वो वाला लुक मैंने दिया है। ये ब्लू कलर देने के बाद हल्का सा ग्रीन कलर का लुक दूंगी मैं, जिसे ये बहुत ही बेस्ट लगेगा। हल्का हल्का वाइट कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो इससे ये बहुत ही खूबसूरत सा लगने लगा, जैसे झरने वाला लुक आने लगा। ये इस तरह से करके बहुत ही अच्छे से पूरा मेल्ट कर दूंगी, और उसके बाद किनारे किनारे मैंने ब्राउन कलर दिया है। ब्राउन कलर इसलिए दिया है ताकि नीचे वो पूरा वुडन वाला लुक आए। ब्राउन कलर करने के बाद इस तरह से वुडन वाला पूरा लुक आएगा। आप भी ब्राउन कलर कर सकते हो, आप इसमें ग्रीन कलर भी कर सकते हो यूज़, लेकिन ब्राउन कलर इज़ द बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि ब्राउन कलर करने के बाद ये किनारे किनारे पूरा लग रहा था जैसे लकड़ी का चबूतरा हो और उसके ऊपर ये फाउंटेन हो, तो इसलिए ये बहुत ही बेस्ट लग रहा था। और मुझे कुछ मेज पर रखना था, उसका भी कलर कुछ ब्राउन ही था, इसलिए इसे वाइट से शेड देने के बाद ये हल्का शाइनी शाइनी वाला लुक आने लगा, तो वो और भी बेस्ट लगने लगा। कार्डबोर्ड से बनने के बाद ये बनने पूरा कंप्लीट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ये बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। और ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद ये मैंने गणपति जी के कपड़े बन तैयार किए। गणपति जी ग्रीन कलर का कपड़ा यूज़ करते हैं तो मैंने ग्रीन कलर ही लगाया है उनको, और ये हमारे लगभग लगभग कंप्लीट हो गए हैं। और इसकी मैंने जो ज़मीन यानी कि फ्लोर वाला लुक था वो कुछ ग्रीन ग्रीन से ग्रीन यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये हल्का हल्का वो क्या कहते हैं बगीचे वाला लुक आ रहा था, जैसे छोटा छोटा पहाड़ी पर छोटी छोटी घास उगी रहती है, कुछ वो वाला लुक मैंने देने का प्रयास किया है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। काफ़ी मेहनत मैंने की है इस डाई को तैयार करने में, और 2 से 3 दिन मेरे इसमें लग गए हैं पूरा। और आप लोगों के साथ ये मैं डाई, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैंने कुछ अलग तैयार किया है। उसके बाद मैंने इसमें वार्निश दिया है ताकि इसमें जो स्मोक आए उसकी वजह से वो बिल्कुल धुएं की वजह से ख़राब नहीं हो। ये देखिए हमारा स्मोकिंग के बाद का सॉरी वार्निश के बाद का ये लुक है, देखिए शाइनी शाइनिंग सा, और मेरे क्यूट से गणेश बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आप साइड में स्टूल में भी इसे रख सकते हो, बिल्कुल शोपीस की तरह सक रख सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। और ये मैंने स्मोकिंग धूपबत्ती भी जला दी है इसमें, ये देखिए ये साइड जो धुआँ आ रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से मेरा फाउंटेन तैयार हो गया। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा उस जी कैसा लगा हमारे ये छोटा सा गिफ्ट आइटम, कोशिश बड़ी थी और मेहनत ज़्यादा थी। आप इस मेहनत को हमारी मेहनत की कद्र करते हुए एक लाइक दें, और प्लीज़ कमेंट में बताएं ज़रूर कैसा बना है हमारा ये गिफ्ट आइटम।